ललितपुर में जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां नायब तहसीलदार शुक्ला ने पुलिस बल के साथ चीरा गांव में चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर दबिश दी और मौके पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध शराब बनाने वाली एक भट्टी और 150 लीटर अवैध शराब बरामद की और 12,000 लीटर लहान मौके पर ही नष्ट किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चीरा गांव में आबकारी टीम हमारी कोतवाली की फोर्स मुझ क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में कार्य किया गया, दबिश दी गई, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 200 लीटर दारू प्रगत बरामद की गई, 12,000 के जी लहन नष्ट किया गया और एक जो है भट्टी बरामद की। आज चीरा गांव में आबकारी टीम हमारी कोतवाली